नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच गौरव गुप्ता जी हैं, सनातनी गंगा फाउंडेशन में यहाँ पर सर जी ने सिद्ध दी। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से गंगा मैली है, एक बहुत पुरानी फिल्म आई थी राम तेरी गंगा मैली, वो आज भी ये गंगा मैली है, क्या कारण है सर, कैसे सफाई होगी और कैसे आगे काम होगा? आपने जैसे कहा फिल्म आई थी, फिल्म ही रह गई, और जो सनातनी गंगा फाउंडेशन है इस प्रयास में कर रही है, इसके लिए इनका साधुवाद कैप्टन परवीन जी का और टीम का। गंगा का तो गंगोत्री से तो निर्मल ही निकलती है, साफ सुथरी निकलती है और जीवनदायिनी गंगा है, पावनी गंगा है, लेकिन हम लोगों के जो उसमें गंदे प्रयास है, इंडस्ट्रियल कचरा है, अपना लोगों का कचरा है, वो जाके उसे ख़राब कर देता है, जो गंगा सागर पहुँचते पहुँचते मैली हो जाती है। तो इसमें एक सनातन धर्म का, ये सनातनी गंगा का प्रयास है कि हम लोग इसके अवेयरनेस करें। सरकारें कर रही हैं, मुझे नहीं पता क्या सरकारें कर रही हैं, जो इतने सालों से वही की वही गंगा पड़ी है, इसका पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, चाहे एयर पॉल्यूशन हो चाहे गंगा पॉल्यूशन हो, लेकिन हम लोगों का एज ए एन जी ओ, एज ए सोशल और एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि इसका तब तो कुछ कार्य करें, और उसी में ये एक प्रयास है। तो सर जी, 22 जनवरी को रामलला जी की स्थापना हो गई है, अयोध्या में मंदिर में विराजमान हो गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत सी बातें अभी लोकेश मुनि जी ने भी कही है, ये तो राम राज्य की स्थापना हो गई है और ये तो हमारा, तो क्या विश्व गुरु बनने की तरफ ही हमारी पहली सीढ़ी है? पहली सीढ़ी है विश्व गुरु भारत ने बनना, तो हम सुनते थे बचपन से, समझ नहीं आते थे, अंधेरे में थे, लेकिन ये उजाले की किरण है, एक सूर्यवंशी राजा का प्रताप फैलेगा, राजा रामचंद्र जी रघुवंशी सूर्यवंशी हैं, और उनकी जो एक हमने लोगों ने तिरस्कार कर रखा था, उनका जो मान सम्मान था नहीं दिया था, अब उसको उनके घर में विराजमान कर दिया है। तो एक शुरुआत है भारत को विश्वगुरु बनने की, और जो हमारा विज़न है, प्राइम मिनिस्टर है या विज़न है देश को और विश्व को, अमृत काल के से अमृत स्तर तक लेके जाएगा, और अमृत काल में जो हमारा जो 2047 का विज़न है उसमें हम लोग विकसित राष्ट्र के रूप में सक्षम होंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आए। थैंक यू सर। यू से समथिंग अबाउट सनातनी गंगा फाउंडेशन, हिज वर्क एंड हिज विजन। I am very glad today by my personal name of Palestinian Embassy and the name of Palestine be able to be part and participate in this important event organized by Ganga organization, and this is which they are focusing today about the rivers, international festival of rivers. This is the best things to follow the challenges of the water and how to be and work together with all of the communities, sectors to save the water and save the rivers, especially Ganga rivers in India, which is very important for Indian people and the human being. Thank you, बहुत बहुत धन्यवाद, रिकार्ड। Big photo. तरीके जो हैं वो बनाने के बदलते चले जा रहे हैं, लेकिन ये याद रखिए इमोशंस नहीं बदले, भाव नहीं बदले, आज वही भाव हैं, वही दुख सुख जुड़ा हुआ है इंसान के साथ, सिर्फ दर्शाने का तौर और तरीका बदल गया, तकनीकी बदल गई है, सोच बदल गई है, काम करने के ढंग बदल गए हैं, मशीनरी बदल गई है, उसको प्रोजेक्शन करने के और तरीके बदल गए हैं, लेकिन फिर समझिए कि फिल्म जो है वो कहानी बताती है और आज भी कहानी बताती है। और जहाँ जर्नलिज्म की बात आती है कि जर्नलिज्म का पहले भी जो मकसद था वो इन्फॉर्म करना, राइट इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म करना, आज भी वही मकसद है, सिर्फ मसाला लगाकर जो है वो एक नई चीज़ जुड़ चुकी है। दो मीडियम है एक ही बात कहने के, ये एक सोच है कि पुराने ज़माने में क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था और आपके पास सोशल मीडिया नहीं था, तो लोग जो एक दफ़ा पेपर में छप जाता था उसे पत्थर की लकीर समझ लेते थे, लेकिन उसी न्यूज़ को जब डिवाइड किया गया टेलीविज़न के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, तो उसके अंदर बिखेरा आ गया है। आज बहुत से पुराने लोग तो आज भी सिर्फ प्रिंट मीडिया पे ही यकीन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उतना ही सीरियस और उतना ही जेन्युइन और उतना ही एक्यूरेट हो सकता है अगर चाहे। मुझे बड़ी खुशी है, मैं खुद सेव गंगा, सेव जमुना, सेव वाटर के साथ जुड़ा हुआ हूं, और मुझे बड़ी खुशी है, कैप्टन प्रवीण कुमार और संजीव कपूर जी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि पिछले साल की तरह इस बार भी इन्होंने हमारी संस्था को जोड़ा है, और क्योंकि मैं खुद 72 देशों को इस वक्त देश में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मेरा धर्म बनता है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सोच है, उसे मैं विदेशों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँ, और समय समय पर हम लोग खुद बहुत बड़े बड़े भव्य कार्यक्रम करते हैं, हमारा मकसद भी यही होता है कि हम देश की संस्कृति को देश भर और दुनिया भर में पहुँचाएं।
इन सबको मैं संदेश तो यही कह सकता हूँ कि कर्म ही पूजा है। जो काम करना जानते हैं, जो मेहनत करना जानते हैं, वो हमेशा ज़िंदगी में सफल होते हैं। कार्य कोई भी हो, छोटा या बड़ा, जिस काम वो आपके सौंपा गया है उसे ईमानदारी से करें। मैं समझता हूँ कि अगर भारतीय अपनी 8 घंटे की जो काम करने की ड्यूटी है उसे अगर ईमानदारी से कर लें तो ये देश दुनिया का सबसे तेज दौड़ता हुआ देश जल्द ही हो जाएगा। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, और ये है गीता का ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, संदीप मारवा जी हमारे साथ है। बहुत सी बातें सर जी ने कह दी हैं, बहुत कुछ कहते रहते हैं, खुद एक इंस्टीट्यूशन है। आज सर आप यहाँ आए, बहुत सी बातें आपने कही गंगा सनातनी गंगा जो यहाँ पर फाउंडेशन है उसके लिए। सर जी आप 72 देशों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कल्चर के, तो सर जी कैसा महसूस करें? बहुत बढ़िया। किसी को जिंदगी में एक भी ऐसा प्रतिनिधित्व करने को नहीं मिलता है। मैं उन तमाम 72 देशों की सरकारों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हम में ये विश्वास किया। 7,500 से भी ज़्यादा इवेंट हम लोग करवा चुके हैं विभिन्न देशों के साथ जुड़कर। पिछले साल ही हम लोगों ने 531 इवेंट किए हैं। मेरा जो ध्येय है कि हम भारतीय संस्कृति को विदेशों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें और उन देशों से अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर हमारे देश में हमारे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूं। ये मेरा धर्म है और कला के क्षेत्र से मैं पिछले 44 साल से जुड़ा हुआ हूं और कला की सेवा ही मेरा धर्म है। सर बाकी जो देश बच गए हैं वो कब तक आप जोड़ देंगे? ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। मैं तो अपने कार्य में हमेशा व्यस्त रहता हूं, काम किए चला जा रहा हूं, कड़ी बनती चली जा रही है। 1 था, 2 हुए, 10 हुए, 25 हुए, 50 हुए, अब हम लोग 75 की ओर अग्रसर हैं। मुझे कहीं किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है क्योंकि इन सरकारों ने हम पे विश्वास करके, हमारे कार्यों को देखकर, हमारी मेहनत को देखकर और हमारी ईमानदारी को देखकर हमें अपनी सरकारों के साथ जोड़ा है। और मुझे कोई लालसा नहीं है कि मैं इसे 100 करूं, लेकिन अगर कोई जिम्मेदारी मेरे कंधों पे पड़ती है तो मैं इसे बेखूबी से निभाना चाहता हूं और निभाना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो नमस्कार दोस्तों, ये थे हमारे साथ संदीप मारवा जी, यहाँ पर सनातनी गंगा फाउंडेशन के लिए सर जी ने सिद्ध दी। फिर एक नई शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, सर्वेश राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सनातनी गंगा फाउंडेशन के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आइए हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्या ये गंगा को साफ कर पाएंगे या कैसी मुहिम आपकी रहेगी? ये सबसे पहले मुहिम तो ये है कि आपने देखा होगा जैसे आर्ट एंड कल्चर से हमारे पदर सिंह कम्युनिटी जुड़ी है, सनातनी बड़ा नाम तीसरी चीज जुड़ी है। चरित मानस का अपमान हुआ तो उसको उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया और एक राष्ट्रीय लेवल का एक पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हमें ऐसे सनातनी लोगों को जोड़ना है जो कि क्योंकि जब तक सनातनी आस्था नहीं जागी होगी, जैसे आपने देखा राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो आप पहले दिल से आना चाहिए। अगर आप आपके दिल से नहीं आएगा कि मेरा इंटरव्यू लेना है तो मैं कितना भी बुलाता रहूँ, मैं 10 बार बुलाऊँगा, 1 बार शायद आएगा। तो हर चीज़ दिल से ही आना चाहिए। तो उस चीज़ को, उस आस्था को हम जो है पहले जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि देखिए जो सिविलाइजेशन है हमारे, जो जहाँ से गंगा प्रवाह का एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन, चाहे वो प्रयागराज हो, उत्तराखंड हो, उत्तराखंड में हरिद्वार जैसे बड़े बड़े, आप देखेंगे ये पूरी यात्रा में जो 23 जिले हैं तो 6 से 7 बड़े जो जिले हैं वो हम कवर कर रहे हैं। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, है ना, जिसका आध्यात्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ जो है हम वैसे भी ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है नमामि गंगे के थ्रू, हम अगर उसमें एक गृहिणी का जैसा योगदान दे सकें, जागरूकता पैदा कर सकें। क्योंकि जैसे कि आचार्य लोकेश मुनि जी भी अभी आए थे, उन्होंने कहा कि गंगा ऑलरेडी साफ है, हमें गंगा साफ हम कौन होते हैं करने वाले। आज जैसे प्रीतम जी ने बोला कि गंगा में आप थोड़ा सा तुलसी का पानी मिला लीजिए, उससे प्योर चीज़ नहीं है। लेकिन परेशानी ये है जब ये सब हम जानते हैं तो फिर क्यों इस प्रकार के प्रदूषण हम देते हैं। तो 2047 में जब हम 100वां महोत्सव मनाएंगे आज़ादी का, तब क्या आप समझते हैं कि आपके थ्रू या और माध्यम के थ्रू गंगा जो है वो साफ हो जाएगी? 2047 तो बहुत दूर है, हमारा तो लक्ष्य है अगले 10 साल के अंदर, है ना, प्रयास करके लोगों को जागरूक करते हुए जो है और बिल्कुल साफ हो जाएगी। क्योंकि देखिए गंगा जी में जो है हम गंदगी करना छोड़ते तो गंगा तो इतनी पवित्र है, इतनी दैवीय शक्ति है उसके उनके पानी में। और ये कौन छोड़ेगा? का विषय नहीं है, कौन छोड़ेगा उसमें गंदा डालना, क्योंकि जो लोग वहाँ रहते हैं
दिल्ली से या बेंगलोर से या बॉम्बे से हिमाचल से पंजाब से तो कोई नहीं आ रहा गद्दा करने के लिए, वही इसीलिए जो यात्रा वो है जो उसी जिले से उन्हीं के लोगों को जागरूक करना है, वहाँ जो गंदे नाले उनको रोक के दूसरी तरफ डाइवर्सन करें और तब वो निर्मल होगी गंगा, निर्मल होगी। ये कई सालों से हम कह रहे हैं, नमामि गंगे जो है एक शुरुआत की थी लेकिन अभी तक गंगा साफ नहीं हो पाई है, लगन थोड़ी सी कमी रह गई। तो क्या भगीरथ जी ने ऐसी गंगा सोची थी कि ऐसी गंगा बना देंगे हम लोग? उनकी आत्मा कहीं भी होगी बहुत ही ज्यादा दुखित होगी मुझे ये लगता है। आज अभी मैं गया था कुछ दिन पहले स्पेन इसराइल, तो इसराइल में वो लोग पानी का डीप इरीगेशन करके और उनको जब लगता है ना इस तरह से पानी हम वेस्ट करते हैं, वहाँ बहुत बड़े नॉर्म्स हैं। सिर्फ इसराइल नहीं, कई देशों की ऐसी स्थिति है, पूरे अरब की ऐसी स्थिति है कि हमारे पास इतनी बड़ी कहते हैं ना कि मिल गया है तो हम उसकी इज्जत नहीं करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा जिम्मेवार होना पड़ेगा और कुछ इस तरह की चीज़ें जैसे ट्रैफिक का चलाना, मुझे बोलना नहीं चाहिए कि ट्रैफिक में जब तक टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना पड़ेगा सरकार। जैसे ट्रैफिक का पहले आप देखते थे कि बोलता रहते थे हमारे ट्रैफिक के जो है इंस्पेक्टर साहब और लोग तोड़ के चले आते थे, एक वो रोक रहा है तो उसे थोड़ी सी हमें ये मानना पड़ेगा अनुशासन की कमी है। वो ही अनुशासन जो है, अगर वो अनुशासन को हम और आप नहीं लगा सकते, क्यों? हमारे अंदर पावर नहीं है, हमारे अंदर लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है। मैं आपको कुछ स्क्रीच करने को बाध्य नहीं करता, तो इसलिए हमारा बार बार सरकार से आग्रह है इस तरह के कानून बनाए जाए, है ना। कानून है ऑलरेडी, कानून है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और उसके जो है बल पे जनता का और ये जनता प्रेशराइज कर सकती है, उसके बल पे चुनाव लड़ा जाए। जैसे कि राम मंदिर कहीं ना कहीं लोग यूज़ कर रहे हैं चुनाव के लिए, तो क्यों नहीं गंगा की सफाई के लिए, जो कि सीधे सीधे आपके जीवन में इम्पैक्ट लाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरह की बातें कहीं, आम जनता को ये समझना होगा कि हमें गंगा को खुद साफ रखना है तभी हमारी गंगा निर्मल हो सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ फिर दोनों बहनें जुड़ चुकी हैं, पद्मश्री अवार्डी, आज सनातनी गंगा फाउंडेशन के लिए यहाँ आई थी। मैम जी, क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से जो है हर NGO सरकार और इस तरह से बहुत सी फाउंडेशन जो हैं, नमामि गंगे जैसा एक अभियान चला था और अब भी गंगा जो है साफ नहीं है, क्यों ऐसा है मैम? आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे या नहीं होंगे, मैं तो प्रधानमंत्री जी की हर बात से सहमत होती हूँ। हमको जड़ को पकड़ना चाहिए कहाँ से रोग लगा है, और वो है जन मानस में जो एक आबादी बढ़ती चली जा रही है। पहले गंगा भी लोग नहाते थे और वही सब काम करते थे जो आजकल कर रहे हैं, लेकिन जो जो जनसंख्या बढ़ती गई, ज़रूरतें बढ़ती चली गई और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो हमको प्रकृति ने साधन दिए थे, प्राकृतिक साधन, चाहे वो जल, वायु, पेड़ पौधे, वो उतने ही हैं। अब उसको हम चाह रहे हैं कि जनसंख्या के हिसाब से करें, तो कभी हम खेती में ऑर्गेनिक चीज़ को छोड़ के कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं जो हमको शरीर के लिए नैतिक रूप में स्वीकार नहीं है, इसलिए रोग पकड़ते हैं। और रहा बात और चीज़ मिल, कुछ मिले ना मिले, लेकिन जल एक ऐसी चीज़ है जो जीवन देती है और जीवन ही जल है, तो उसकी पूर्ति के लिए तो प्राकृतिक साधन ही रहेंगे, उसको हम आर्टिफिशियली तरीके से नहीं बना सकते हैं। और उसको निर्मल देखिए, जहाँ अगर वो प्रदूषित होती तो उद्गम से प्रदूषित होती, लेकिन वो जिस निर्मल तरीके से उद्गम होता है और अपने लक्ष्य को पूरा करती हुई अपना जो जीवन का अस्तित्व है वो समुद्र में मिला देती है, उसको स्वच्छ रखना, उसको निर्मल रखना उसका पहला ध्येय है कि वो उसकी तृप्त करना, निर्मल करना, और स्वच्छ करने के बाद भी वो स्वच्छ रहती थी, लेकिन हमने इतनी फैक्ट्रियों के उत्पादन से उसमें केमिकल डाल दिए हैं, उसमें वो चीज़ों का उपयोग करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि जो पूजनीय थी वो भी पूजनीय नहीं लगती है, तो हम ही उसके कारण हैं और हम ही उसके नाशक हैं। अगर हम चाहते हैं पुनः फिर एक अच्छा जीवन जीना, तो हमको उस प्रकृति हर देन को उसी स्वरूप में रखना होगा। इसलिए तो हम प्रकृति को पूछते थे, कोई गंध को तो नहीं पूछता ना, तो हमें विचारों को स्वच्छ करना पड़ेगा। पहले ये चेतना लानी होगी कि हमें ऐसा करना ही नहीं है, क्योंकि ये धार्मिक इसका एक स्वरूप, चाहे सफाई अभियान जमीन का हो, थल का हो, जल का हो, वायु का हो, हमें मानसिकता से ही करना होगा। ऐसा ना हो कि आप गंदा करें मैं साफ करूं, या मैं गंदा करूं ये साफ करें, हर प्रतीक को उसके लिए जागरूक होकर प्रतिज्ञा लेनी। और ये सबसे बड़ा दायित्व है माँ का, अपने बच्चों को बचपन से ही बताएं कि आपको प्रकृति की दी हुई चीज को किस तरीके से संरक्षण करना है। जब हम 100वां आजादी का महोत्सव मनाएंगे 2000
47 मोदी जी उनके विजन और मिशन को लेके जैसे वो चले हैं डिजिटल इंडिया बनाने के लिए, तो क्या लगता है आपको कि उस टाइम जो है गंगा पूरी तरह निर्मल हो जाएगी? देखिए, अगर सुनेंगे तो उनके सामने ही हो जाएगी, हमारे सामने ही हो जाएगी, और नहीं सुनेंगे तो बरसों तक आपको पता है वो ही आपको समाप्त करके चली जाएगी। जब वो नहीं रहेगी तो हम नहीं रहेंगे, जब हम नहीं रहेंगे तो सृष्टि नहीं रहेगी। आप देखिए, पहले बारिश की पहली बूंद गिरती थी और मिट्टी की सोनी सुगंध आ जाती थी, अभी उसके मिनरल्स खत्म हो चुके हैं। सबसे पहली चीज़ है जो हमारा पहला मिशन है, आबादी को छोटा करें, मानसिकता को विशाल करें और पूर्ण करें और भव्यता में रहें। सबसे पहले माँ का और अपने समाज का ये दायित्व बनता है कि बच्चों को और कोई पाठ पढ़ाए ना पढ़ाए, लेकिन प्रकृति सर्वेक्षण का सबसे बड़ा पाठ बच्चों को काखा घास से पहले पढ़ाना है। इसी के राइम्स बनाओ जिससे बच्चों के मन मस्तिष्क वाणी और व्यवहार में वो ढल जाए। आप कथक डांसर हैं और पद्मश्री आपको मिला हुआ है, आने वाले जो बच्चे हैं जो इस लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज है, क्योंकि बहुत कम बच्चे जो हैं ये कथक में रुचि रखते हैं। जब हम वहाँ शोषण कर रहे हैं तो यहाँ पे भी शोषण कर रहे हैं। हमें जो चीज़ आसान, अभी मैंने क्या बोला, जो आप व्यवहार में ढाल लेते हैं ना उसे आपको कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी गाना बजाना भी एक नकल का हो चुका है, जो आपकी स्मृति है, जो आपके स्मरण शक्ति है वो ख़त्म होती जा रही है। और शास्त्रीय नृत्य जो है वो सब पूरी तरीके से स्मृति में रहना, परंपरा से चली आ रही जो इस विधा में हम गुरु शिष्य परंपरा में, मैंने अपने गुरु जी जितेंद्र महाराज के संग समक्ष सीखा, कमलनी जी ने सीखा, हम उसी का निर्वाह कर रहे हैं। नृत्य चाहे 2 घंटे का हो और चाहे 10 घंटे का हो, और चाहे हम कंपोजिशन करें, चाहे इतना बड़ा बच्चा हो और चाहे हमारे जैसा इसमें परिपक्व हो, लेकिन हम कोई भी चीज़ देख के पढ़ के नकल करके नहीं रखते हैं, इसको संचलित करते हैं, इसको स्मृति में रखते हैं। और यही हमारी स्मृति हमें हर पल हर क्षण ये स्मरण कराती रहती है कि हमें अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता, क्योंकि दोनों साथ साथ चलती है, उसको इस भारतवर्ष के सिर्फ शब्दों में नहीं व्यक्त करना है और ना पुस्तकों में अभिव्यक्त करना है, हमें आचरण में, व्यवहार में और समाज में उसको सशक्त रूप में सामने लाके खड़ा करना है, जिससे पूरी दुनिया पुनः कहे ये भारत है, ये सिर्फ शब्दों में नहीं जीता, ये व्यवहार में जीता है। तो दोस्तों, हमारे साथ नलिनी और कमलिनी जी हैं, इनको पद्मश्री अवार्ड जो मिला है, दोनों को इकट्ठा मिला है, ड्यू पद्मश्री ड्यू मिला है। कस्टम में युगल को ड्यू बोलते हैं, दो हैं ना, नलिनी कमलिनी। तो आप दोनों बहने हैं? जी जी, हम बहने हैं। बहुत अच्छा है, आप एक मिसाल हैं भारतवर्ष के लिए और दुनिया के लिए। जितेंद्र महाराज जी ने मंदिर नृत्य शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्होंने ही इसकी पुनः स्थापना की है। और तो समाज ही हमारा परिवार है, उसको ये संदेश देने के लिए हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता कितनी गहरी है जड़ों से, इसकी जड़ें मत उखाड़िए और इसको बिल्कुल भी नष्ट होने से बचाइए, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति में सबसे पहले पंचतत्व की पूजा करते हैं और उन पंचतत्व में से जल सबसे प्रथम है, सूर्य है, वायु है और आकाश है, और इसी को हम प्रकृति के साथ जीते हैं, बाकी चीज तो मनुष्य की बनाई हुई है और आने जाने। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पर सिद्धि दी और बहुत से प्रोग्रामों में आप पहुँचते हैं, मेरे को मालूम है, हमने पहले भी आपका इंटरव्यू ले चुके हैं। 30 साल पहले हमने गौमुख से गंगा सागर एक अभियान करा था, वो भी इसके लिए ही था, जागरूकता के लिए। हमने उससे ऊपर तपोवन भी गए, वहाँ से आते हुए जहाँ से गंगा उद्गम होती है और जहाँ अंत में गंगा सागर में संक्रांति के दिन हमने आखिरी कार्यक्रम किया। तो ये हम करते चले आ रहे हैं, हमने तो अपनों को और अपने शिष्यों को और जो हमारे समक्ष आते हैं उनको पूरा प्रयास करते हैं कि भारतीयता में और उसकी पंचतत्व की पूजा में उनको अपने साथ जोड़ लें, लेकिन जो नहीं जुड़े हैं उनसे मैं कटिबद्ध निवेदन करती हूँ, कृपा करके आप जुड़े, जीवन तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। और आने वाली जनरेशन को आप चाहे कितना भी धन दे दें और कितना भी भौतिक चीज़ें दे दें, लेकिन अगर प्रकृति से उन्हें वंचित रखेंगे तो वो जी नहीं पाएंगे। असल में बहुत छोटी उम्र से ही हम गुरु जी के सानिध्य में जितेंद्र महाराज जी के आ गए थे, तो जैसे कहते हैं ना, जब आँख खोलो तब सवेरा, कई लोगों की आँखें बहुत देर से खुलती हैं, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सवेरा हर समय रखने के लिए, जागरूक करने के लिए सबको अभी से अभियान शुरू कर दिया है कि आप अपनी संस्कृति को जोड़े रखिए, प्रकृति को जोड़े रखिए। और अब तो देखिए, भोजन में भी जो अपने मिलेट शुरू किए हैं वो हमारे यही किए हैं,
और शुद्धता और पूरा विश्व मानने लगा है इस चीज को। गुरु कहने से थोड़ी ना हो जाता है। प्रधानमंत्री जी ने जो विश्व गुरु का बीड़ा उठाया है वो सब चीज को समावेश करके ही उठाया, सिर्फ शब्दों में नहीं उठाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ डॉक्टर प्रीतमाचार्य जी जुड़ चुके हैं। यहाँ पर सनातनी गंगा फाउंडेशन का प्रोग्राम चल रहा है जिसमें गंगा को साफ करने की बात हुई। लोकेश मुनि जी भी यहाँ आए, संदीप मारवा जी भी उपस्थित थे। गुरु जी ने भी बहुत कई बातें बताई है जो आम जनता को समझनी होगी, लेकिन गुरु जी एक सशक्त मैसेज दीजिए ताकि जो है लोग जागरूक हों। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। भारतवर्ष जग रहा है, सनातन धर्म जग रहा है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम आए, पुनः आए भारतवर्ष में, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और जिस तरह 22 जनवरी का कार्यक्रम पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो सनातनियों द्वारा जो उनके भीतर का स्वतः उद्गार व्यक्त हुआ वो अकल्पनीय है। और इस तरह अगर सनातनी भारत के लोग अगर अपनी एकता बनाए रखेंगे, इस तरह की जागरूकता बनाए रखेंगे, निसंदेह अगली शताब्दी सनातन की शताब्दी होगी। और 2047 जब भारतवर्ष 100 वर्ष अपने आज़ादी के स्वतंत्रता को प्राप्त कर रहा होगा तो विश्व का प्रथम अर्थव्यवस्था भारतवर्ष होगा। और यह जो कार्यक्रम पर आते हैं अब गंगा, सनातन गंगा फाउंडेशन के द्वारा भारतवर्ष और सनातन धर्म के जो मान बिंदु हैं वो गौ गंगा हिमालय है। यह हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह गौ गंगा और हिमालय है। तो और गंगा का जल पानी नहीं है, वह अमृत है। आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि गंगा जल में जितने भी बैक्टीरिया हैं वो नष्ट हो जाते हैं, स्वतः नष्ट हो जाते हैं। कोरोना काल में BHU के साइंटिस्टों ने यह प्रयोग किया तो गंगा जल में उन्होंने कोरोना के वायरस डाले जो कि 24 घंटा में समाप्त हो गया, आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। फिर उन्होंने और अन्य हैजा वगैरह और अन्य बीमारियों के भी उसमें डाले बैक्टीरिया, तो जो 8-10 घंटे में ही समाप्त हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गंगा जल में कुछ न कुछ दैवीय शक्ति है जिससे हमारे शरीर को लाभ है, एक औषधि की तरह। और उस औषधि के अनंत भंडार को हम सनातनी लोग व्यर्थ और बेकार कर रहे हैं। उसमें इंडस्ट्री तो आवश्यक है विकास के लिए, पर इंडस्ट्री का जो कचरा है वो हम गंगा में तो ना बहाएं। नगर विकास आवश्यक है, पर नगरों के नाले नालियां गंगा में तो हम ना बहाएं। उसके लिए नालियों के किनारे वाटर को साफ करने तो का इसका मतलब कहीं ना कहीं गुरु जी वहाँ के जो लोग हैं उत्तराखंड के जो है हरिद्वार के वही जिम्मेदार हैं, इसमें पूरे भारतवर्ष का कोई लेना नहीं। नहीं, गंगा के किनारे जितने भी शहर हैं, कानपुर सबसे ज्यादा गंदा तो कानपुर में, कानपुर के किनारे जो ये चमड़ा उद्योग है इसने तो हद कर दी है। आप जाकर देखें वहाँ तो आप गंगा खड़ा नहीं रह पाएंगे। आप तो स्नान करना और आचमन करना की तो गुरु जी इसमें फाउंडेशन और NGO या जो भी लगे हरिद्वार से ऊपर जो गंगा है वो शुद्ध है। और हरिद्वार के बाद और समस्त उत्तर प्रदेश और बिहार, आगे झारखंड और बंगाल, बंगाल में गंगा सागर में गंगा मिलती है हिंद महासागर से, तो तमाम किसी एक प्रांत को नहीं दोषी दिया जा सकता। उस प्रांत के मुखिया जो एक शहर को दोषी नहीं दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हमारे परम आदरणीय योगी जी, तो इसका मतलब योगी जी ने अभी पिछले वर्षों से कोई एक्शन नहीं लिया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि गंगा अब भी मैली है। उस देश के जो प्रांत हैं वो प्रांत कोई काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, काम कब नहीं, कब होगा काम कब तो होगा? बात करें माननीय गंगे के रूप में परमादरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नमामि गंगा प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन अभी तक गंगा निर्मल नहीं हो पाई है। लोकेश मुनि जी भी कह के गए हैं कि गंगा अब भी प्रदूषित है, दूषित है। कैसे होगा इसका, कैसे होगा? क्या 2047 हर जन चेतना नहीं फैलेगी? 2047 तक क्या गंगा निर्मल? आज मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन किए, योगी जी किए, ठीक है ना? लेकिन आपको याद होगा करीबन 84-85 से राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चला और पूरा भारतवर्ष आंदोलन के लिए झकझोर दिया गया। परमादरणीय अशोक सिंघल जी, विक्रमभरा जी, उमा भारती जी, विनय कटियार और कल्याण सिंह जी ने तो अपना पद ही गंवा दिया। और
आडवाणी जी की यात्रा, सोमनाथ यात्रा, तो इन सब सारे जन जागृति का परिणाम रहा। यहाँ के न्यायालय पर और प्रमाण के साथ न्यायालय पर हमारा दबाव बना और जिससे कि राम जन्मभूमि हमें वापस मिली। उसी तरह जन जागृति जब तक नहीं होगा तो कोई एक सरकार गंगा को शुद्ध नहीं कर सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। आम जनता के लिए संदेश है गुरु जी का कि सभी सुधर जाएं, संभल जाएं। सभी प्रांतों के लिए भी खास इंस्ट्रक्शन दी गई है। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। मेरा मैसेज यही है कि ग्लोबल गंगजोत मैराथन इस बार गंगजोत मैराथन से ग्लोबल गंगजोत मैराथन हुई है और ये इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ रिवर्स का हिस्सा है, गंगोत्सव का हिस्सा है। तो जहाँ जहाँ आप गंगा के किनारे, हम जहाँ जहाँ जा रहे होंगे, आप सनातनी गंगा फाउंडेशन के फेसबुक पेज पे, इंस्टा पे देख सकते हैं, सुनीता गुदारा के फेसबुक पे देख सकते हैं, इंस्टा पे देख सकते हैं, और गूगल ड्राइव है, फ्री रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर करें और हमें जहाँ जहाँ गंगा के किनारे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करिए। मैं इस ग्लोबल गंगजोत मैराथन की ब्रांड एम्बेसडर, 92 की एशियन मैराथन चैंपियन, आप सबका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। हमारे साथ किरण सेठी जी जुड़ चुकी हैं, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, लेडी सिंघम के नाम से जो है मशहूर हैं, सभी इनसे डरते हैं। तो मैम जी, आज आप यहाँ पर, मतलब डरने का मतलब है जो गलत काम करते हैं वो हमेशा डरेंगे, पुलिस का डर जरूरी है। तो यहाँ पर सनातनी गंगा फाउंडेशन में आपने शिद्दत दी, मैम जी क्या कहना चाहेंगे आप कि पिछले कई सालों से गंगा को साफ करने की हर पुरजोर कोशिश जारी है, अभी तक भी हमारी गंगा निर्मल नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके जरिए, मैं और मेरी दिल्ली पुलिस आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती है। आज मैं सनातनी गंगा फाउंडेशन में शामिल हुई और क्योंकि विषय ये था कि गंगा को स्वच्छ रखा जाए, नेचुरल जिसे हम माँ कह के पुकारते हैं, उनकी निर्मलता और स्वच्छता बहुत ज़रूरी है और इनका एक मिशन है कि गंगा को साफ सुथरा रखें, उसकी जिसकी हम पूजा करते हैं। इसी के जरिए कुछ मैराथन खिलाड़ी गंगोत्री से लेकर पटना तक 1700 किलोमीटर उनका एक मैराथन रन करेंगे, जागरूक करेंगे लोगों को कि अपनी गंगा जिन्हें हम पूजते हैं और जिसकी ज़रूरत हमें जीने से लेकर मरने तक रहती है और जल ही जीवन है, इसका विषय को लेकर किया। और मैं आप सभी को एक प्रार्थना करती हूँ कि आप अपनी गंगा माँ को स्वच्छ रखें। अगर हम अपनी माँ को गंदा करेंगे, उन पानी को गंदा करेंगे, तो उसका असर हमारे पर्यावरण पर, हमारे शरीर पर और हमारे जीवन पर पड़ता है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं अपनी हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हम कुछ देके जाएं। बिल्कुल कुछ देकर जाएं। आपने देखा था कि अभी कोरोना के समय में हमारी गंगा के जो नीचे के पत्थर तक थे वो बिल्कुल निर्मल दिखाई दे रहे थे, यानी कि हम ऐसा कोई पोल्यूशन ना फैलाएं जिससे क्या नाम है, हमारी गंगा जो है वो दूषित हो। जब कहीं ना कहीं जो गंगा के एरिए के नज़दीक के जो प्रांत हैं जो वही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि कोई बम्बे से, बंगलौर से, हिमाचल से या दिल्ली से नहीं जाएगा, आप ठीक कह रहे हैं, तो उन्हीं पे प्रतिबंध लगना चाहिए। कड़े कानून गवर्नमेंट को बनाने चाहिए और उसमें इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कानून है बट इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, चाहे वो बच्ची से बलात्कार हो, मर्डर हत्या हो, आप देख रहे हैं वो भी नहीं रुका है। मैं ये तो सेकेंडरी काम है गंगा को साफ करना, लेकिन और बेसिकल मुद्दे बहुत हैं, हम आज ये बात नहीं करना चाहेंगे, फिर भी आपके माध्यम से, क्योंकि पुलिस का डर बना रहना चाहिए। अगर आप इमेजिन कीजिए, अगर पुलिस नहीं हो तो देश में और अराजकता फैल जाएगी। कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोगों के अंदर एक डर रहे, अगर हम कोई अपराध करते हैं या किसी चीज़ के लिए हम समाज में गंदगी फैला रहे हैं तो कानून जो है उनके खिलाफ एक्शन लेता है, तो ये काम पुलिस करती है। बट मैं ये सोचती हूँ कि हम ऐसा क्यों सोचे कि कानून के डर से ही हम अपने देश को या अपनी प्रांतों को या अपनी गंगा को साफ रखें। ये हमारी आपस की जिम्मेवारी है। जिस तरह से हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, हम चाहते हैं हम साफ सुथरे कपड़े रोज पहनें, तो क्यों ना जो हमारे आसपास गंगा है, पर्वत है या जो प्रकृति है, प्रकृति को कभी नुकसान ना पहुँचाएँ, वही हमारे हमेशा जीवन में काम आती है। तो मैं अपनी तरफ से और अपनी दिल्ली पुलिस की तरफ से आप सभी से प्रार्थना करती हूँ, कानून के डर से नहीं, अपनी स्वइच्छा से अपनी गंगा को साफ रखें, अपनी प्रकृति को साफ रखें, हमारा देश सबसे सुंदर दिखे पूरी दुनिया में। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव काल चल रहे हैं, 25 साल हैं जब हम
महोत्सव मनाएंगे आज़ादी का, 2047 मोदी जी का जो विजन विजन है उसको लेकर क्या मैसेज आप यंग जनरेशन के लिए देना चाहेंगी जो उस टाइम 25 साल की होगी या जो 40 तक होंगे जो देश को बहुत आगे तक ले जाने की क्षमता रखते हैं? हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत सारी ऐसी मुहिम है जो हमें सशक्त बनाती हैं, जैसे अभी 75वें गणतंत्र दिवस पर उन्होंने नारी शक्ति को दिखाया, इस बार मैं भी उस गणतंत्र दिवस पर्व का हिस्सा बनी। मैं भी अपनी दिल्ली पुलिस की तरफ से अपने ब्रास बैंड की राइड गाई थी और मैं 57 साल की हूँ और मैंने 32 किलो का एक इंस्ट्रूमेंट लेकर विजय चौक से लाल किला तक गई। सिर्फ यही एक लक्ष्य था कि जहाँ महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता है कमज़ोर ना समझें, और जब हम 2047 में हम 2047 अपना जब मना रहे होंगे तो महोत्सव बना रहे होंगे, उस समय की जो जनरेशन है वो ये दिखाए कि जैसे वो बदलाव चाहती है तो वो ये बदलाव लाए कि जहाँ पे गंदगी है वहाँ सफाई हो, और हम अपने संस्कारों को ना भूलें, हम अपने पूज्य माता पिता का हमेशा आदर करें, अपने गुरुओं का आदर करें जो हमें शिक्षा देते हैं, और खासतौर पे नई जनरेशन के लिए चाहूँगी कहना कि वो खाकर इधर उधर ना फेंकें, और जहाँ पे भी वो स्वच्छ रखेंगे वो स्वच्छता धीरे 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 एक बड़ा रूप ले लेगी, तो सफाई का पूरा ध्यान रखें और अपने सफाई सिर्फ जगह की नहीं करें, अपने विचारों की भी सफाई करें। अब ऐसे कोई काम ना करें जिससे उन्हें या उनके माता पिता को कभी बदनामी का मुख देखना पड़े। अगर हम अपने विचार अच्छे रखेंगे, सात्विक रखेंगे, सात्विक भोजन करेंगे और देश के लिए कुछ ना कुछ करेंगे तो वो 16 साल जो होगा वाकई में अमृत काल का एक सुनहरा इतिहास होगा। तो हमारे साथ लेडी सिंघम हैं, आप सबने मैम का मैसेज सुन लिया, अगर कोई गलती करता हुआ पाया गया तो उसको जो है IPC की धाराओं के तहत उसको सजा दी जाएगी। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हरीश जी हैं, गंगोत्री के अध्यक्ष हैं, गंगा के वहाँ के उस एरिए के पूरे के मालिक हैं एक किस्म के। कहने का मतलब है कि माँ गंगा को स्वच्छ करने के लिए पुरजोर कोशिश सर जी की रहती है। सर जी यहाँ आए जहाँ सनातनी गंगा फाउंडेशन का एक प्रोग्राम था, वो भी उनसे जुड़े हुए हैं, हर भारतवासी को गंगा को साफ करने के लिए जुड़े रहना चाहिए। मारवा जी आए थे, उन्होंने भी यही बात कही, आचार्य लोकेश मुनि जी ने भी यही बात कही, सभी यही चाह रहे हैं कि गंगा साफ हो जाए। तो क्या आपका सशक्त मैसेज जो है जो उन सनातनियों के लिए जो गंगा को प्रदूषित करते हैं क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा कहते हैं कि गंग मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि के यज्ञ समान। इस कलयुग में बड़े बड़े यज्ञ संपन्न हुए हैं और 2024 जो है वो एक अनोखा युग जो है अभी प्रारंभ हुआ है। मंगल और शनि जी जो है साथ साथ हैं दोनों, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ। हम भी तो ब्राह्मण हैं, बिल्कुल हिमाचल के रहने वाले हैं, लेकिन आपकी बातों में जो दम है क्योंकि आपका कार्य ही ये है। हिमाचल उत्तराखंड ये तो देवभूमि है और देवभूमि का जो है ना प्रत्येक व्यक्ति का यही दायित्व है। तो मैं कह रहा था कि ये युग जो है परिवर्तन हुआ है और भगवान राम का युग हो गया है, राम राज्य हो चुका है। तो इस युग में भगवान राम और भगवान कृष्ण के जो इस युग में हमें क्या करना है, गंगा जो गंगा क्या है, गंगा माँ माँ हमने कहा उसको मिलने जाए, तो मिलेंगे कैसे, सीधे सीधे आप गंगोत्री आए, आप दर्शन कीजिए, आप उसके चरणों में वहाँ शपथ लीजिए, आप वहाँ जो है वो प्रतिज्ञा लीजिए कि मैं तुझे स्वच्छ करूँगा, मैं तुझे स्वच्छ रखूँगा। वैसे गंगा के तो एवरीवेयर इज एन ऑटोमेटिकल सिस्टम एग्जिस्ट, दैट इज बैक्टीरिया फोज, बैक्टीरिया फाज अंग्रेजी का एक शब्द है जो अपने आप ही खा जाती है गंदगी को अपने में अगर कंटक्ट में आएगी। लेकिन हम सब मनुष्य एक अकेले इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ करेंगे, उसको स्वच्छ रखने के लिए हमारा आपका एक एक का दायित्व है। तो सनातनी गंगा फाउंडेशन ने ये लीला शुरू किया, उठाया है, तो हम सब बहुत सी फाउंडेशन, बहुत से NGO इस तरह से काम कर रहे हैं, सरकार भी नित्य काम कर रही है, नमामि गंगे जो एक शुरुआत हुई थी वो भी शुरू है। लेकिन ऐसे बहुत से सालों से गंगा जी को साफ करने की क्रिया प्रतिक्रिया कंटिन्यू चली हुई है, अभी तक गंगा जी साफ नहीं है, निर्मल नहीं है।
क्या कारण है इसका, क्या वो उस के जाने वाले जितने भी राज्य हैं वो इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि कोई भी जो है हिमाचल से या दिल्ली से या बॉम्बे से आके तो उसको खराब नहीं कर रहा है, तो क्या सरकार का 100% उत्तरदायित्व है कि ऐसे कानून बना दें कि जिसकी वजह से गंगा में ना कोई गंदा नाला डाल सके, ना कोई फैक्ट्री का कोई कूड़ा कचरा वहाँ आ सके। आपके माध्यम से एक सरकार के लिए क्या मैसेज है? सरकारों को मैसेज बहुत पहले से जा रहा है, इसके अतिरिक्त सबने प्रयत्न किया। मेरा एक ही कहना है कि अगर हम में से मैं और आप अगर संकल्प लेंगे तो हम स्वयं हम उसमें गंदगी नहीं डालेंगे, तो कहाँ से प्रदूषित होगी। अब विषय यह है कि सरकार कौन है, आप और मैं ही तो हैं। क्या आप समझते हैं कि नहीं, राष्ट्र की सरकार जो है वो नरेंद्र मोदी? बिल्कुल जनता, हम जनता है। वो प्रयाग में उन्होंने जरूर कहा था कि मुझे गंगा ने बुलाया, लेकिन गंगा में आप मोदी जी ने तो नहीं डाला कूड़ा, हम जनता, तो हम जनता ही तो जिम्मेदार है, यही मेरा कहना है। हम अगर लेकिन कहीं ना कहीं जो कानून है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। IPC की जो धाराएं हैं उसमें संशोधन करके गंगा जी के लिए, जैसे अब बहुत से कानून भारत सरकार ने, मोदी जी ने, सरकार ने खत्म कर दिए, नए कानून बना दिए, उसी तरह के गंगा के लिए भी कानून बना दिया जाना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट कानून बने कि गंगा को इस प्रकार प्रदूषण करने वाले को ये सजा होगी, तभी ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी, आपके माध्यम से सरकार के लिए भी मैसेज गया, आम जनता के लिए भी ये मैसेज गया है कि जनता ही इसकी जिम्मेदार है आखिर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। राम साहब आपके मंगलमय के लिए, आप यशस्वी हो, आप तेजस्वी हो, आप कीर्तिमान हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ शिव कोहली जी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर हैं। खास बात यह है कि ये ट्रेनर हैं, सेल्फ डिफेंस के ट्रेनर, जो अभी हमारी लेडी सिंगम जी, किरण जी आई हुई थी, उनका हमने इंटरव्यू लिया, उनको ट्रेनिंग सर जी ने ही दी है। तो सर जी आप इस फाउंडेशन से भी जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है कि सनातनी गंगा फाउंडेशन जो काम कर रही है, तो क्या लगता है आपको कि 2047 सौमा जो हम आज़ादी का उत्सव मनाएंगे, तो क्या लगता है आपको गंगे मैया उस टाइम निर्मल हो जाए? बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो सनातनी जो गंगा फाउंडेशन है इनको बधाई देता हूँ कि इन्होंने बड़ा अच्छा एक ऐसा काम शुरू किया है कि गंगा साफ और गंगा के नाम से लोगों तक प्रचार पहुँचे कि गंगा को हमने साफ रखना है। इसमें सीधी सी एक बात है, मन चंगा तो हर जगह स्वच्छ गंगा, अपने मन को साफ रखिए कि आप मन साफ है कि हमने गंगा में जाके गंद नहीं डालना, तो मन चंगा तो गंगा भी फिर चंगा। तो आप क्या है कि जब तक मन को साफ नहीं करोगे तब तक गंगा साफ नहीं हो पाएगी। हम सरकारें भी कोशिश कर रही हैं, बहुत बड़ी फाउंडेशन भी कोशिश कर रही है, सनातनी में जो है ये भी कोशिश कर रहे हैं, मगर उसके लिए NGO भी लगे हुए हैं, सब लगे, हर आदमी लगा हुआ है। मगर पहले जो मन को साफ करना पड़ेगा कि हमें ये प्रण लेना पड़ेगा कि हमने गंगा को गंदा नहीं करना। ये प्रण कब लेंगे सर? पिछले 75 साल से तो किसी ने लिया नहीं है। नहीं, प्रण तो सर बहुत सी कोशिशें हो रही हैं, अभी तक गंगा निर्मल नहीं हुई। सिर्फ वो एक महीना था जब कोरोना था ना, उस टाइम में जब उसमें कोई भी कचरा या पत्थर नहीं गया, लोग बाहर नहीं निकले, उस टाइम गंगा के नीचे पत्थर भी दिख रहे थे। तो मैंने सबसे पहले जब, और यहाँ से हिमाचल की और उत्तराखंड की पहाड़ियाँ दिख रही थी। बिल्कुल, मगर आपने, मैंने जब भी शुरुआत की तो मैंने कहा था मन चंगा, तो हमें अपने मन को चंगा करना पड़ेगा, इसका यही फार्मूला है, तभी गंगा साफ हो पाएगी, तभी गंगा स्वच्छ हो पाएगी। और अगर हमारा मन चंगा नहीं है, और अगर हम सिर्फ अधिवेशनों में ही अगर बात करते रहेंगे इस तरह की, या सरकारें भी अगर ये चलाती हैं, हर आदमी कोशिश तो कर रहा है और हर आदमी चाहता भी गंगा साफ हो, मगर उसके लिए जो है दृढ़, जो सच्चा, जो है सच्चा जागरण संकल्प लेना पड़ेगा, ना कि किताबों वाला, ना ही फंक्शन वाला। तो इस तरह से, जिस तरह से आपने जो हमारी लेडी सिंगम है उनको आपने ट्रेनिंग दी है, तो अब तक कितनी बच्चियों को आप ट्रेनिंग दी? मैं लाखों सेल्फ डिफेंस, मैं 1, 2, 3, 4 हज़ार नहीं, मैं लाखों लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे चुका हूँ। जो भारत की पहली स्वाट जो कमांडो टीम बनी लड़कियों की, भारत की पहली, वो उनका भी मैं ट्रेनर रहा हूँ। जो इस देश को पहली ओलंपिक लड़की गई खेलने जूडो में, उसका भी मैं कोच रहा हूँ। जैसे आपने बताया कि सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैं किरण सेठी का भी कोच हूँ, जिसको आप लेडी सिंगम के नाम से पूरा हिंदुस्तान जानता है। जो आने वाले बच्चे हैं या बच्चियां हैं जो लेडी सिंगम और जेंट्स सिंगम बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, लेडी सिंगम बनना, जेंट्स सिंगम बनना, ये सिर्फ एक पिक्चरों तक तो सीमित रह सकता है, मगर असली सिंगम बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पसीना बहाना पड़ेगा। कहते हैं जो नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीना बहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं।
बाबा क्या बात कही है आपने। मेहनत करिए और सच्ची मेहनत करिए, मोबाइल से और कुछ ऐसी चीजों से जिनमें आपका समय कुछ, देखिए टेक्नोलॉजी तो होनी चाहिए और उससे ज्ञान भी मिलता है, मगर अननेसेसरी आप उसके सामने बैठे रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, वो आपका समय खराब होगा। बाहर जाइए, मैदान में उतरिए, खेलिए और दौड़ लगाइए, एक्सरसाइज करिए। आपने बहुत अच्छा संदेश आम जनता के लिए दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए और आप सनातनी गंगा फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, इसी तरह से जो सेल्फ डिफेंस की आप जो कोचिंग देते हैं, ये हर हिंदुस्तानी को आपसे सीखना चाहिए, बच्चियों को अपने माँ बाप को लाके आपसे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, जय भारत।